हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल PISNS। आज मैं आप लोगों को साइटिका के दर्द के लिए L4, L5, S1 इन तीनों में जो प्रॉब्लम आ गई है, नस दब गई है, जिसकी वजह से आपको साइटिका की प्रॉब्लम हो गई है, आज मैं उस नस को खोलने के लिए आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे कि आपको दर्द में बहुत ज़्यादा रिलीफ फील होगा, बहुत ज़्यादा आराम आ जाएगा। और जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे 3 महीने तक, तो आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब वो चीज़ क्या है वो देखिए, ये चीज़ है ये प्लास्टर, देख रहे हैं आप, ये है बेलेडोना का प्लास्टर। इससे आप अपनी दबी हुई नस खोल सकते हैं, दर्द को ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन लगाने का जो तरीका है, अगर वो आपने सही से यूज़ कर लिया तो आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब वो लगाने का तरीका क्या है वो मैं आपको बता दूँ। देखिए, मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि जो ये प्लास्टर है वो लगना कहाँ पे है। देखिए, जो आपकी ये हिप लाइन है, ठीक है, हिप लाइन से बिल्कुल टच होते हुए, बिल्कुल हिप लाइन से टच होते हुए, और यहाँ से लगाएंगे, ठीक है, यहाँ से और जहाँ तक भी ये आएगा। देखिए, मैं लगा के दिखा देती हूँ, लेकिन लगाने से पहले देखिए, ये रहा बेलेडोना का प्लास्टर, देखिए ये रहा, ठीक है। अब इसको लगाने से पहले आप क्या करेंगे, उल्टी साइड से, देखिए इधर जिधर ये कागज़ चिपका हुआ है, इधर की साइड से इसे पहले गर्म कर लेंगे मोमबत्ती की सहायता से, ऐसे इसको अच्छे से गर्म कर लेंगे, ठीक है। ऐसे गरम करना है कि ये जल ना जाए, थोड़ा सा ऊपर से आपको ये गरम करना है। गरम करने का फायदा ये होता है कि एक तो ये इसका जो कागज है ये आराम से हट जाता है, और दूसरी चीज क्या है कि जो इसकी इसके अंदर जो दवाई है वो थोड़ी सी गरम होके ज्यादा अच्छे से असर दिखाती है, ठीक है। तो हमने ये गरम कर लिया है। अब आप क्या करेंगे कि देखिए, इसको यहाँ से हटाएंगे, इसके कागज को ऐसे हटाएंगे, और सारा एक साथ नहीं हटाना है आपको, ये थोड़ा सा हटाएंगे, और जो ये आपकी हिप लाइन है, ठीक है, हिप लाइन है, यहाँ पर बिल्कुल इसके जो हिप लाइन है इसको सेंटर बनाएंगे और यहाँ पर ऐसे चिपका देंगे, ठीक है, और धीरे धीरे करके इस कागज को ऐसे हटाते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, ये मैंने ये पूरा लगा दिया, ये लग चुका है। तो इससे क्या होगा कि आपकी L4, L5 और S1 जो नस दब गई हैं वो नस वापस से सही हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, इसे लगाने के बाद रात को इसकी सिकाई करनी है। सिकाई कैसे करेंगे आप, देखिए ये था लगाने का तरीका कि आप किस तरह से इस बेलेडोना प्लास्टर को लगाएंगे जिससे कि जो आपकी दबी हुई नस हैं वो खुल जाएंगी। अब इसको आपको लगाना कब तक है, इसको आपको लगाना तब तक है जब तक कि ये मतलब एक हफ्ते में एक बार आपको चेंज करना है। अगर गीला भी हो जाता है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप नहा सकते हैं, आप जैसे मर्जी इसको आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसे डेली चेंज नहीं करना है। आप जैसे संडे को इसे लगाते हैं तो संडे को ही आप इसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो आप कोई भी दिन डिसाइड कर लीजिए, अगर आपने आज इसको लगाया है तो उसके 8 दिन के बाद आप इसे चेंज कर लेंगे, 8वें दिन आप इसे चेंज कर लेंगे, ठीक है। साथ ही आपको इस पे गर्म सिकाई करनी है, सूखी सिकाई करनी है, बॉटल से सिकाई नहीं करनी है आपको इससे। या तो आप प्रेस को गर्म करके तब उससे सिकाई कर सकते हैं, या फिर तवा गर्म करके उस पे कपड़ा रख के और उससे सिकाई कर सकते हैं। ऐसा आपको सिर्फ रात को ही करना है, रात के टाइम ही करना है, ठीक है। दूसरी चीज, एक्यूप्रेशर आपको ये जब आप लगाएंगे जो प्लास्टर है इसको आप अपने बैक पे लगाएंगे, तब आप एक बार एक्यूप्रेशर जरूर कर लें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है कि आपको किस तरह से एक्यूप्रेशर करना है अपनी कमर का, और उसके बाद आप इसे लगा लें। और फिर आप डेली एक्यूप्रेशर करेंगे अपनी कमर का, ये लगाने के बाद भी आपको ऐसा नहीं है कि आप इसे लगा के ऐसे ही छोड़ देंगे, आपको डेली दिन में एक बार आप अपना एक्यूप्रेशर जरूर करना है कमर का। कैसे करना है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाकर चेकआउट कर लें। दूसरी चीज़ ये है
कि जब आप इसे उतारेंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दर्द हो, तो उस टाइम आप उसे ऐसे ही छोड़ दें और उसके ऊपर हल्के से गरम तेल की मालिश कर लें और थोड़े से टाइम छोड़ के उसे, जैसे आपने आज सुबह इस प्लास्टर को हटाया है तो आप इसको शाम तक के लिए खुला छोड़ दें और उस पर हल्के से सरसों के तेल की या जो तेल मैंने आपको बताया ऑल पर्पस ऑयल, उसको आप लगा के इसकी मसाज करके इसको ऐसे खुला छोड़ दें और फिर इसको शाम को या रात को आप फिर से इसे लगा लें। अगर आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होती है तो आप इसको एक दिन छोड़ कर भी लगा सकते हैं, जिस दिन आपने इसे हटाया है उससे अगले दिन भी आप इसे अप्लाई कर सकते हैं। आप जैसे भी हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। साथ ही आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको और क्या प्रॉब्लम है अपनी बीमारियों से रिलेटेड, उस चीज़ पे भी मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक